गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग कोहिनूर हम आ चुके हैं वापस, बैक टू नॉर्म्स, बैक टू रूटीन्स। ईद के बाद हम वापस आ चुके हैं, कल हमने शो किया, आज हमारा सेकंड डे है ईद के बाद, तो मज़ा आ रहा है, राइट? तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपने हमारी रमज़ान की तमाम नशियात को इन्जॉय किया होगा, फैजियाब हुए होंगे और आई एम श्योर कि आप एक फैमिली बन चुके हैं। हम सब दुख सुख शेयर करते हैं आपके साथ और हम इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम आपका इंतज़ार करते हैं हर वक्त कि आप आएँ, अपना फीडबैक दें, कैसा लगता है आपको हमारा शो। मेरे ख्याल गला ख़राब होता है जब आप बहुत चीज़ें खा लेते हैं ना ईद के ऊपर, ऑयली स्टफ़ खाते हैं तो गला थोड़ा बैठ जाता है, राइट? लेकिन मेरी गर्मा गर्म चाय जो है वो मुझे इलेट कर देगी इस शो को लेकर, राइट? जनाब आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और उनकी बड़ी बिंदास एंट्री हुई थी शोबिज़ की इंडस्ट्री में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत डेस्टिन किस्म के हार्ड वर्कर हैं और जो काम करते हैं कहते हैं आई बिलीव इन क्वालिटी वर्क। सो अतीब शेख ने ये ठान लिया है कि अपनी लुक्स के साथ और अपने काम के साथ वो इंसाफ करते हैं और आज वो लैंड कर गए हैं जैज़ी के इस शो में। सो लेट्स वेलकम अतीब शेख। अस्सलाम वालेकुम अतीब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम आफ्टर ईद, और कैसा लग रहा है ईद के बाद एकदम से, यू नो, तमाम बोरियत जो होती है वापस आने की? अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी सी वो होती है ना सुस्ती बंदे में आ जाती है। एग्जैक्टली, हाँ सही बात है। लेकिन हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है खुजाजी के शो में आके? बेहतरीन। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सो कितनी हार्ड वर्क की है अब तक लाइफ में? बहुत ज़्यादा मैंने स्टार्ट किया था। कुछ लोगों की लाइफ में किस्मत और हार्डवर्क का ना तालमेल होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो आपकी लाइफ में क्या रिस्क है, कितने परसेंट हार्डवर्क, कितने परसेंट किस्मत है? मेरा 90% हार्डवर्क रहा है और 10% किस्मत रहा है। रियली? ओ ठीक है। तब मैं हार्डवर्क पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि अब आप कहते हैं कि अपनी हार्डवर्क से आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर इंसान दिल से अपना काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करता है, मेहनत पूरी करता है, तो किस्मत डेफिनेटली उसको कर देती है, साथ देती है। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। ऐसे करते हैं हम स्टार्ट करते हैं सिलसिला बातों का, लेकिन पहले हम एक आपको देंगे म्यूजिकल डोज। ओके। स्टार्ट करेंगे सुबह का एक ब्रांड न्यू सॉन्ग से। एक नया गाना आया है साहिर अली बग्गा फीचरिंग अलीजे शाह, एंड द गाना इज बदनामिया। गाना बहुत ऑसम है, आप इंजॉय करें। वापस आएंगे तो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी अतीब के साथ। लेट्स गो एंड एंजॉय द सॉन्ग। वापस जल्दी से आते हैं। आ गए हम वापस और गाना बहुत अच्छा था, मज़े का था। लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। जी बताइए अपने बारे में अतीब, कैसे स्टार्ट किया, हाउ वॉज योर चाइल्डहुड, सब बताओ। चाइल्डहुड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है। दादी की तरफ से काफ़ी प्यार मिला। ठीक है। सरगोधा से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो आपको पता है शहीनों का शहर। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा घर वालों से काफ़ी प्यार मिला, लाडला रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर शिफ्ट हुए। लेकिन बताओगे तुम कैसे स्टूडेंट थे बचपन में? लाइक मैं नोटी स्टूडेंट था। ओ शरारतें करते थे आप? हाँ मैं बहुत शरारतें करता। कुछ शरारत याद है बचपन की? मुझे नहीं, ऐसा इस तो याद नहीं है, ऐसा अभी याद नहीं है कुछ इस तरह। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग तीन बहन भाई। आपका नंबर क्या है? मेरा दूसरा। ओके फिट है। फिर आप लाहौर आ गए? फिर हम लोग सरगोधा से लाहौर चलते हैं। जी बिल्कुल। फिर लाहौर आने के बाद यहाँ पे स्टडीज मुकम्मल की। ठीक है। उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे दोस्तों ने कहा, काफ़ी पंप किया यार, मॉडलिंग में ट्राई कर, मॉडलिंग में ट्राई कर। हाँ। तो मुझे इतना शौक नहीं था इस चीज़ का, लेकिन फिर उन्होंने फॉर्म फिल किया, वहाँ पे शो हो रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वहाँ पे किया, तो ज़बरदस्ती भेज दिया वहाँ पे जाके शो किया, तो काफ़ी पसंद आया, वहाँ से ऑफर्स आने लग पड़ी। वाह। तो फिर यूनिवर्सिटी वाइंड अप की, उसके बाद आउटफिटर्स के साथ काम किया, बनेंजा के साथ काम किया। सिर्फ अच्छे लेबल्स आपने ब्रांड। बिल्कुल। पहला शूट याद है अपना आज तक? मेरा आउटफिटर का शूट। आउटफिटर कैसी फीलिंग थी उस दिन? नर्वसनेस थी, टेंशन थी, कैसे लुक्स आएंगे मेरे? एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था। एक्साइटेड में था कि नया काम करने का मिल रहा है, एडवेंचर लवर हूँ, नया काम करने का मिल रहा है, तो कैसा जाएगा। लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस था कि आप अपने लुक्स के साथ तस्खीर कर सकते हो? उतना कॉन्फिडेंस में है। अब बोलते भी अच्छा हो। थैंक यू। स्टाइल भी है। थैंक यू। सब चीज़ें पूरी हुई। सो हु वाज योर इंस्पिरेशन इन मॉडलिंग एंड ऑल फैशन? मॉडलिंग फैशन में मेरा HSY। ओके। और मॉडलिंग में मेरे जो हैं वो हैं उस्मान खालिद भट्ट। ओके। आप उनको मॉडल भी कह रहे हैं? हाँ, मतलब मेरा मॉडल ही हैं वो, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। हाँ
लेकिन अगर हम प्योर मॉडल्स की बात करें वहाँ कौन फेवरेट है फिर आपका? वहाँ पे मेरा फेवरेट वैसे तो सबका काम काफ़ी है अच्छा, उमर भट्ट। उमर, हाँ ठीक है ठीक है, डन होगा। और इन फीमेल्स? मायाली। ओके, ये आप लोगों के चॉइसेस हैं जो आपने फिट की हुई हैं। कितने शूट्स कर चुके हैं अब तक? अब तक मेरे हो गए 15-20 शूट हो चुके हैं। तो बेस्ट किसने उतारा कैंप पे आपको आज तक? मुझे कैंप पे उतारने वाले थे उमर भट्ट साहब थे। ओके, उसके बाद अली शकील साहब थे। हाँ, अली शकील भी तो है, बहुत काम किया अली ने वैसे, है बहुत ना? बहुत हार्ड वर्कर है, जो मैप लिखा होता है बहुत ज़्यादा, उनका काम बहुत मज़ा है। बिल्कुल सही है, सही है, डन हो गया, ठीक हो गया। और एक्टिंग के प्लान्स क्या आपके? एक्टिंग का मेरा प्लान्स हैं कराची मूव होने के। करना पड़ेगा, है ना? अगर आपने काम करना है नाजरीन, और अगर आप भी कोई ख्वाब बन रहे हैं मॉडलिंग के, एक्टिंग के, तो कराची चले जाओ। कराची में सब कुछ मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है। मेरे बहुत से दोस्त चले गए वहाँ पर। कराची का प्लान है वहाँ पे ड्रामा में काम करने का। फिल्मों में तो मैंने किया हुआ है, अभी कोर फिल्म के अंदर ट्राई है, वहाँ से ऑफर आई है, कराची से ही आई है, तो वहाँ पे जाके उनके साथ काम करना है, सलीम दा साहब के साथ। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें कुछ और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है, जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। ज्वाइन मी आफ्टर द ब्रेक। आ गए हम वापस, और गाना बहुत मज़े का था, हमारा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, इट्स ऑल फन। हाँ, ईद के बाद दोबारा से शोज़ को करना अपनी गरम गरम चाय के साथ, इट्स ऑल फन एंड प्लेजर। एंड नाउ वी हैव 3 मोर गेस्ट विद अस। और जब मैंने प्रोफाइल खोला अपनी पहली इस वक्त की गेस्ट का, तो शी सेज कि शी इज़ देसी बंजारन। ओ माय गॉड, व्हाट अ देसी बंजारन शी इज़, शी इज़ टू कूल एक्चुअली। एंटरप्रेन्योर हैं, मॉडल हैं, ड्रीमर हैं, फाउंडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नाइस, पर इंजीनियर तो वो हैं ही हैं। सुरिदा मलिक आवान एक बहुत प्यारी सी लड़की है, धान पान सी लड़की, जिसने ड्रीम करना से रखा है अपने जहन में अजाइम के साथ कि मैंने बहुत कुछ करना है इस लाइफ में। वो प्यारी भी हैं, उनके ख्वाब भी प्यारे हैं। तो आइए मिलते हैं द ब्यूटीफुल रिदा मलिक आवान। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप? तो देसी बंजारा में आप जी, फॉर द नाइस आईडी, थैंक यू। सो कैसी हैं, ठीक ठाक जी? तो हाउ वाज ईद? It was really fantastic. है ना? लेकिन कोरोना की SOPs follow किया? हाँ, काफी ज़्यादा। है ना? लोगों से कम मिले हैं, घर में ही फैमिली से बस मिलते रहे। Exactly, exactly. लेकिन be safe. Yeah. Safety is first. Yes. So how is the Kohinoor feel now? अच्छा लग रहा है आपको? Yeah, it's really nice. रोशनी ठीक है हमारी? हाँ, बहुत अच्छी है। चले, welcome on the show. Thank you so much. और I am so happy क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त यहाँ आए हैं। अगर हम मेकअप की बात करें, स्टाइलिस्ट की बात करें, तो लाहौर में, पाकिस्तान में चंद बड़े टॉप नॉच नेम्स में इनका नाम आता है। और बहुत दिल से ये लड़का काम करता है, और इन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया रिसेंट टाइम्स में कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। क्या कहती हैं आप? Yes, है ना? He is. But I really love his work and his style of work is too modernized, urban and upmarketed. Yes. So Ayan, आमिर जो हैं वो ऐसे ही हैं, शानदार किस्म के हमारे आज के अगले गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम आयान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। I'm so happy to see you. So how is life? Life is good. अच्छी जा रही है। तो काम कैसा जा रहा है आपका? काम माशाल्लाह बहुत। कोविड ने कुछ किया ऊपर नीचे? इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे तो शूट्स चलते रहे। ओह या, एग्जैक्टली, क्योंकि ईद के ऑनलाइन लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया था। ये भी अच्छा हुआ है इस तरह से कि वी हैव द ऑनलाइन थिंग्स राइट नाउ विद अस, इसलिए ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ा। हाँ, काम पे चले, वेलकम ऑन द शो। तो आज फन भी होगा, बातें भी होंगी, और इट्स ऑल मजेदार एंटरटेनमेंट। थैंक यू फॉर कमिंग। और आप तो हमारे साथ हैं ही हैं, हमारे जबरदस्त दोस्त, लेकिन हमें ज्वाइन किया है एक सिंगर ने। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में आते हैं, लेकिन वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली। आई डोंट नो कि मेरे 10 महीने हो गए हैं शो करते हुए हमारे, लेकिन ये बहुत फर्स्ट टाइम आए हैं आप इस शो में। ये जाती है वैसे आपकी, लेकिन जाती मुझसे भी शायद हुई कि मैं गलती से लेट अप्रोच किया। लेकिन ये ऐसा लड़का है जिसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत दिल से गाता है ये लड़का। और शावान नवीद जो हैं, ये इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम टू हैप्पी फॉर हिम कि अपना इन्होंने भी एक मकाम सेट कर लिया है गाने की दुनिया में। सो लेट्स वेलकम द सोलफुल वॉइस शावान नवीद। अस्सलाम वालेकुम शावान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? आई एम फाइन। अभी ट्रेंडी हो गए पहले से। थैंक यू। अब और कैसी लाइफ जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। है ना? मेहनत बहुत की है अल्हम्दुलिल्लाह। और किस्मत कैसी रही फिर?
बहुत अच्छी है। वो भी अच्छी रही है साथ साथ। रिसेंटली जो मेरा सॉन्ग हुआ है रिलीज उस पे 4 डेज के अंदर 50,000 कहा था कि इनका नया गाना आया ब्लैक ड्रेस पे है काला। आई थिंक ब्लैक 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 तो और उस पे 50,000 टिकटॉक बन चुकी है 4 दिन के अंदर। नो आज यहाँ बनेगी टिकटॉक उस पे इंशाल्लाह मजा आएगा। तो फुल ट्रेंडिंग जा रहा है इस वक्त। अच्छा आज इसको और ट्रेंड दे देंगे। अच्छा सर सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सो आइए जनाब सेगमेंट स्टार्ट करें मेरी कहानी मेरी जुबानी। चलते हैं रिदा आप पे बताइए बारे में कौन है रिदा सब बताओ बचपन से स्टार्ट करो। बेसिकली मैं स्कूलिंग मेरी क्वीन मेरी से है कॉलेज भी मेरा क्वीन मेरी से है। आफ्टर दैट मैंने अपनी इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद मुझे शौक चढ़ गया कि मैंने ब्लॉगर बनना है बिकॉज कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी। मुझे लोगों से मिलने का बहुत शौक है लाइक आई लव टू एक्सप्लोर पीपल। लेकिन आप बताए एक और भी हम बात जानते हैं आपके बारे में क्या बड़े शानदार इवेंट्स भी करवाती हो सुपर से बहुत ऊपर इतना काम कैसे कर रही हैं आप? बस ये साथ साथ करना पड़ता है लाइफ। थकती नहीं यंग एज में इतना कुछ कर लिया? समटाइम्स थक जाती हूँ बट मेरा पैशन। स्टार क्या आपका? एक्वेरियस। हाँ यानी ख्वाब सही बनती है। हाँ जो जो सोचती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पूरा करूँ। ठीक है तो फिर आई स्टार्टेड माय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। आफ्टर दैट बस काम एंड चीजें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की हैं मेरे पे। But is it tough in Lahore to do the events and all? Yes, very Anna, tough. It is. बहुत ज़्यादा यहाँ पे. Because देखें यहाँ पर बहुत सारे events चल रहे होते हैं, organizers हैं, और उनको compete करना हाँ. बहुत ज़्यादा. Class देनी पड़ेगी. बहुत ज़्यादा, बिल्कुल. अब मुझे it's my third year in this field, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। I hope coming years में भी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तो ये आपकी hard work का जबरदस्त. आयान बता दो सब कुछ. बचपन से स्टार्ट करना बचपन का यार बचपन से बचपन मेरा स्कूल से जब मैं स्कूल में था तब मुझे स्टार्ट से मॉडलिंग का बहुत शौक था। अच्छा नाइस। मुझे था कि मैंने मॉडल बनना है। मुझे कोई टीचर पूछता था तुमने क्या बनना है मैंने कहना मैंने मॉडल बनना है। मैंने कहा तुम्हारी है ही अजीब सी सोच इंसान कोई डॉक्टर या कोई ऐसा। मैंने कहना नहीं मैंने बस मेरा ये था कि मुझे फेमस होना है और कि मुझे हर कोई जाने। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की मैंने हर एक जगह पर काम किया छोटा बड़ा मतलब जैसे भी था। लेकिन मैंने अपनी नींद बहुत कम की और मैंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की और मेरे स्ट्रगल के पीछे मेरी मेहनत है। हाँ तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा मेकअप एक्सपर्टीज में? मैं खावर रियाज को बहुत देखता था। ओह यस द मेंटोर। अभी हम उनकी बात कर रहे थे ही इज एक्चुअली द किंग मेकर। वो मेरे वैसे भी बहुत फेवरेट थे। मैं तब इतना वो सोशल तो था नहीं कि इंस्टाग्राम ये चीज़ें तो मैंने मैगजीन्स देखने उनको देखना मैंने अच्छा खबर भाई ये किया हुआ ये अच्छा ये वाला मेकअप किया हुआ इस तरह किया हुआ। एक ज़माने में तो देखिए खबर भाई मतलब मैं सोचता हूँ खबर भाई जो है ना वो इंस्पिरेशन है तमाम न्यू कमर्स के लिए। जितने भी लोग फोटोग्राफर्स भी इवन काम कर रहे हैं आजकल सारे उनके काम से इंस्पायर लगते हैं मुझे। वो आज भी वैसे ही हैं उनका काम भी वैसे ही उनके जैसा काम नहीं कोई कर सकता। बिल्कुल सही है। वैसे भी पर्सनली भी मैं उनसे मिला हूँ लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके अंदर एक अच्छी बातें हैं वो बताते हैं वो समझाते हैं कोई भी हो। मैं उनको फर्स्ट टाइम भी मिला था तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई बेटा क्या कर बेटा बहुत अच्छा काम है मतलब उनको मेरा पता भी नहीं शायद होगा लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं शूट उनके घर पर शूट पर था तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा मेकअप किया तुमने तो मैं ये भी बहुत बात होती है कि किसी की आपका कोई सीनियर आपकी तारीफ कर रहा हो। अब तो वो और भी चेंज हो गए हैं बल्कि अब और डाउन टू अर्थ हो गए हैं और ज़्यादा ही वो अच्छे हो गए हैं क्योंकि ही इज़ टू गुड एक्चुअली। और यही बात है कि आगे जितने भी फोटोग्राफर्स भी काम कर रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर्ड लगते हैं उनसे। उनका काम कहीं ना कहीं से घूमता घामता खबर भाई तक आकर रुक जाता है एक फैक्ट है। सही है सही है। तो आपका आज तक का बेस्ट काम कौन सा आया आपके ख्याल में? बेस्ट काम किस फेस को आपने बेस्ट तरीन पेश करके साबित किया? और जब मैंने फिजा का पहली दफा मैंने फिजा का मेकअप करना था फिजा ने मुझे कहा कि इस लड़के का ना इंस्टाग्राम दिखाओ मुझे। मैं गाड़ी में था उसने कहा तब तक मैं मेकअप नहीं कराऊंगी अगर उसने मेरा मेकअप गंदा किया तो मैं भाग जाऊंगी। बहुत पुरानी बात है जब मैंने स्टार्ट किया तो जब फिजा ने ना इन सब ने प्लान किया हुआ था यूसुफ थे बहुत अच्छे हमारे दोस्त उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे फिजा से तो जब मैंने फिजा का मेकअप किया तो उसने एकदम से कहा वाओ वाओ। हाँ जब उसकी वाओ आई तो यूसुफ भी मतलब फिर हमने शूट वगैरह स्टार्ट किया उसके बाद हमारी इतनी अच्छी बाउंडिंग होगी दोस्ती इतनी अच्छी होगी कि उसने अपने शो के लिए रेकमेंड किया। और जब वो शो पर गई मैंने उसका मेकअप किया और उसको सबने कहा कि आज तो तुम बड़ी लग रही हो आज तुम्हारा मेकअप किसने किया है आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो और खुश हो गई। और वो वाकई वो मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ लेकिन मैं उसका मेकअप बहुत दिल से करता हूँ
और उसकी लुक्स बहुत अच्छी आती है। फिजा अली आपका मेरे भाई, मैं उसका भाई बना हुआ, वो मेरी बहन बहन है। हम लोग इकट्ठे खाते पीते घूमते, घर आना जाना हर एक चीज़। उसे कभी भी अपने भाई और मेरे में कभी फ़र्क नहीं किया। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है बहन भाइयों वाला, और हम बहुत अच्छे एक दूसरे के। क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त हो गया, वेल डन फॉर दैट। और शवार आप बताइए, स्कूलिंग के बाद कॉलेज, कॉलेज बचपन कहाँ गया? बचपन स्कूल में गुजर गया मेरा। वो तुम क्यों खा गए हो बचपन? बचपन का शवार कैसा था? बचपन में मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था। ओह, ये पाकिस्तान। सही है, सही है। फिर एक्सीडेंट हुआ, मेरी बाजू टूट गई, तो वो फिर मैं नहीं जा सका उसमें। लेकिन मैं स्कूल से ही सिंगिंग कर रहा था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एज एक कंपटीशन में लिया स्कूल में, तो मैं फर्स्ट आया वहाँ पे। तब से मुझे सिंगिंग का बहुत किसको क्रेज है, किस सिंगर्स को? मैं ज़्यादातर इंडियन सोनू निगम, रफ़ी साहब, किशोर दा, इनको सुनता था। यही होता है ना, हम साया के काफ़ी इंस्पिरेशंस होती हैं। बिल्कुल सही, सही। फिर उसके बाद फिर अपने सॉन्ग करना शुरू किए, अच्छा रिस्पांस मिला। अब आगे आके ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इंशाल्लाह एल्बम आ रही है मेरी। और कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? अब तक मेरे कोई 8-9 गाने आ चुके हैं। कवर्स भी थे ना कुछ? तो कवर्स के अलावा बता रहा हूँ। अच्छा, 8-9 गाने, लेकिन वो पाकिस्तानी एंथम है, लाइक पीटीआई पे इमरान खान पे है, वो भी अच्छी बात। आर्मी पे है आजकल गौरी इमरान खान साहब का, क्या हो गया आपको? अच्छी बात है, उनको हमने बहुत सपोर्ट किया मैंने तो, और अभी भी कर रहा हूँ मैं। हम तो चाहते हैं घबराना नहीं है, क्योंकि जरूरी है ये सब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बताएं कि ये जो शोबिज की इंडस्ट्री है, इसमें काफी गॉसिप्स होती हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं, तो कैसे आप लोग इसको हैंडल करते हो? आप बताइए अनिता। I'm sure, देखो ना, होती है काफी ग्रुप्स होते हैं, तुम्हारा मेरा चलता है इसमें। मेरी तो जो भी गॉसिपिंग्स होती है वो सारी अयान के साथ होती है। और मजा आता होगा आपको। हम रोज शाम को जब मिलते हैं, मैं यूजली अयान की तरफ जाके बैठती हूँ, तो हम जितनी मीडिया की गॉसिपिंग होगी, कुछ भी हो गया, वो हम आपस में बैठ के कुछ चीजों को मुझे भी नहीं पता होगा। मुझे तारीख में खरीदा, तुम कितनी वेली हो, तुम कितने लोगों को देखती हो, हर एक चीज़ें बैठ कर, मैं कभी नहीं देखता इतने लोग। वो फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि यार ये देखो ये हो रहा है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये मुझे दिखा रही थी, मैं कहता अच्छा दिखाओ दिखाओ। ये होता है वाकई। हाँ, ऐसे है। लेकिन हाउ डू यू हैंडल दीस थिंग्स देन? मैं तो गॉसिप्स में आता ही नहीं, आते ही नहीं। मैं बहुत, मतलब मेरी फील्ड भी ऐसी है, मेरी सबके साथ अच्छी दोस्ती है, मॉडलों के साथ, अच्छी मॉडल्स के साथ, लेकिन मैंने आज तक उनके साथ गॉसिप नहीं की। मैं कहता हूँ कि इंसान कामयाबी भी वही हासिल करता है जो गॉसिप से दूर रहता है। मैंने कभी भी ये नहीं होता कि मतलब मुझे कोई बात बताते तो मैं फटाफट कहूँ इधर आओ तुम इसकी बात बताओ, नहीं। वो मुझे कोई बात पता लगे ना तो हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, हम बॉदर नहीं करते कि हमें किसी। लेकिन मैंने एक बता, एक बात नोटिस की है शोबिज इंडस्ट्री में, कि अगर आप इग्नोर भी करो ना तो लोग उनको जान खाते रहते हैं। ऐसा भी तो है, ऐसा भी आपको पसंद भी नहीं करते, अच्छा इसके साथ क्या बात करें, इसके साथ तो कोई न्यूज़ ही नहीं होगी। एग्जैक्टली, ये चीज कैसे पिक किया आपने? मैं कहना चाह रहा था आपसे कि क्या इससे करना, दफा करो, ये है अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। और आप क्या कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पॉइंट पे? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, गॉसिप में इतना नहीं होता, मैं इस साइड पे आता नहीं। अगर हो तो हम लोग दोस्त हैं, हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, वरना मैं इन चीज़ों में नहीं आता, मैं दूर रहता। ओके, और शवान आप? आप तो दूर ही हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री वाले ज़्यादातर काम नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। बिल्कुल, बिकॉज इट इज़ हमारी अपनी गैदरिंग होती है, उसमें फिर हम उस लिहाज से बात करते हैं, लेकिन हर किसी से वो लिमिटेड। ओके, सो मेरे ख्याल है अब चूँकि ईद के बाद हम शो स्टार्ट किए हैं, सो लेट्स वेलकम द शो विद द म्यूजिकल बैंड। पहले गाना आपका स्टार्ट करते हैं, गाना पहले कौन सा सुना रहे हो अभी? ये नहीं, नए वाला बाद में करते हैं, ये होगा शो स्टॉपर, ठीक है। अभी हम पहले पुराना गाना जो आपका था ना, स्टार्टिंग वाला करते हैं, तू ही जहां करते हैं, रोमांटिक सॉन्ग। हाँ, वो तू ही जहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंजॉय करते वापस आएंगे तो फिर बहुत सारी बातें करेंगे। आ जाओ शवार जल्दी से, आ जाओ। क्या आवाज़ है आपकी और क्या गाते हैं आप, मज़ा आ गया। थैंक यू। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द गेम सेशन नाउ, गेम्स बहुत ज़रूरी हैं, इंजॉय करेंगे हम, फन टाइम करेंगे, ठीक है, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। पहले क्या गेम की जाए, मुहावरा कर लिए जाए या फिर कुछ और? पहले मुहावरों से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ, डन हो गया। तो जनाब पहली गेम जो हमारी आ रही है वो मुहावरा टाइम है। आप दोनों टीम ए हैं, आप दोनों साथ ही हैं, और आप टीम बी हैं, दोनों साथ। बहुत बुरा मुहावरा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की देने की होती है। आपको दिखाएंगे हम कुछ मुहावरे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है, ठीक है? स्टार्ट करें, पहले आप लोगों से स्टार्ट करें।
तो एक्टिंग कौन कर रहा है? अयान, आप करोगे? अब बार देखें, बोला मुझसे कुछ नहीं आपने, हाँ करो, हाँ करें, उनको दिखाएं, कर लेंगे, आप टाइम लें, आराम से करें, चिल पिल एंजॉय करें इस गेम को। सोचें सोचें, रिदा आप कुछ हेल्प करेंगे? हाँ मैं करती हूँ। देखें हम, हाँ बिल्कुल सही है, दुनिया ये क्या है सब? कमरा। हाँ तो कमरे में क्या होती है ये सारी? कमरे में बंद होते हैं हम। मतलब की बात होते हैं तुम बस। आप बताइए, अगर ना है तो पॉइंट लूज कर देंगे आप लोग। आप करें दोबारा, दीवारों के दुकान होते हैं। फाइनली यू पिक इट, क्या बात है, मैंने बोला फाइनली यू पिक इट। ओके ये मशहूर मुहावरा एक और देखिए आप। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तीन। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और अब एक और, अभी लगे वन 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 पॉइंट्स हैं। मैं चार चार मुहावरे रहते हैं। ये बहुत उधर है ना, ये बहुत है शोबिज इंडस्ट्री में। आजकल यार की तो ख्वाबे भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन गेस करता है। एक जानवर के बारे में, ठीक है? ओके, चले करें। नहीं बैठता आप, हाँ तुम करो। यस, शीशनाग। सपनों में भी सांप आते हैं? नहीं, सांप तो ठीक है, सांप ठीक है, सांप का है पहला पढ़ के गया था आस्तीन का सांप। आपने सपनों का कहा है लेकिन मैंने सपनों का रिएक्शन कर दिया आपको। हाँ जो गया आपके। ओके ये तुम करो। तीसरा मुहावरा है, ये कैसे होगा? दोनों टीम के चल रहे हैं। मछली कैसे हो गए? मछली चल के रही नहीं, तो सोचो देखो। एक मिनट, हाँ आप समझे, एक मछली सारे दरिया को मिलता है। ओह यस, एक्जेक्टली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी कैसे मैं, ये फल के बारे में, ठीक है? फल एक अनार, सर्दियों का फल अनार, सो बीमार। ओह या, नाइस नाइस। फोर्थ मुहावरा, चलो तुम करो, तुम अच्छी एक्टर हो। नहीं तुम करो, मेरे को हार्ट अटैक है। तुम अच्छी एक्ट, माही तुम अच्छी एक्टर हो। आसमान से गिरा खजूर में अटका। ओह यस, सब मुहावरे अब तो आ रहे हैं आप लोगों को। अब बोला नहीं मुंह से आपने। ओके ओके, चलो एक और मशहूर मुहावरा, बचपन से सुनते आ रहे हैं ये, फिर से करो। अयान, ये क्या है? ये चादर, लगा मुझे चादर। आगे थोड़ा सा आगे आगे चादर, ठीक है? अब उससे सोचें क्या होगा, सोचें जितने पांव हो चादर हो, चादर उतनी फैलाए वो ले रहा है। एग्जैक्टली वही वो मेरे पांव के एक्सप्रेशन से चादर हो उतने पांव, वो लास्ट मुहावरा है एक्सप्रेशन की। हां ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है? ये हमारी तरफ नहीं, आप आपका हो नहीं, उनकी बारी थी। अभी तक दोनों टीम बराबर जा रही है। अब बताइए, एक से बात करोगे बाकी में फैल जाएगी? नहीं, ये मुहावरा नहीं बनाइए। अयान तुम करो,
नहीं मुझे नहीं आता। नहीं उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है वैसे, आपने एक्टिंग सीख कर रही है। हम सब किसी को तो हारना होगा इस गेम में। हारेंगे हाँ, हारेंगे कुछ नहीं मरा। ये क्या होते हैं बोल? नहीं ये आप लोगों को नहीं आया मेरा ख्याल है। आप आएगा आएगा काउंट करें आप पहले से समझाते थे। अयान तुम काउंट करो, मैं समझाती हूँ। हाँ चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। और अपने आपकी लास्ट मुंह में सारा कुछ आ रहा है। अगर आप लोगों को उतनी इन्होंने गेस कर लिया तो ये जीत जाएंगे आप लोग। ओके ठीक है। दस लोग नहीं, सारा 100 लोग। बिल्ली चूहा खा के निकली वो समथिंग। सो नहीं टीम ए ने ये गेम जीत ली है 8 points to 5-4। वेल डन गाइस, मजा आया, गोल्डन, बहुत आला, क्या बात है। हार के जीतने वाले को बादीगर कहते हैं, बादीगर कहते हैं, लेकिन मजा आया इस गेम का। और इसी बात पे हम एक और गेम स्टार्ट कर रहे हैं। गेम तो क्या है, बस ये क्वेश्चंस ही हैं, आपको ऑप्शंस देंगे दिस और दैट, आपने मुझे एक ऑप्शन चूज करनी। इस बार आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। ओके, फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओके, टोस्ट और एग्स? Eggs. Okay. Cardio or weights? Cardio. Cardio. Facebook or TikTok? TikTok. Okay. iOS या Android? iOS. iOS सही है बिल्कुल। Big party या small gathering? Small gathering. Okay. New clothes or new phone? New clothes. ठीक हो गया। Rich friend or loyal friend? Loyal friend. Of course. Nice car or nice home interior? Both. Both. Nice. Sneakers या sandals? Mostly sneakers. Sneakers. Glasses or contacts? Glasses. Okay. Online shopping या shopping in a store? Shopping in a store. ठीक हो गया। Email या letter? Email. Okay. Most important in a partner? Intelligent or funny? Funny. I believe. अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। Money or free time? Money matters, हाँ जरूरी है। Coffee cup or tea cup? Coffee. Okay. और coffee lover. ठीक है, done हो गया। International vacations or a new TV? International vacations. Okay, fine. Last आ गया, meat or veggies? Meat. Meat जरूरी है ना। अच्छा, save or spend? Save. Okay. एक मिनट दीजिएगा। TV or book? Book. Okay. और मूवी एट होम, मूवी एट थिएटर? मूवी एट थिएटर। क्या बात है, जबरदस्त हो गया, वेल डन गाइस, अच्छा जवाब दिया आपने। आइए कुछ दोस्ती के लम्हात को याद करते हैं और कुछ दोस्तों के बारे में पूछते हैं आप लोगों से कि आपका बेस्टी कौन है इस पूरी दुनिया में, और कोई एक बताएं उसकी अच्छी सी हमें आदत। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा बेस्टी मेरे साथ बैठा हुआ है। Really? Oh my God, I like it. और क्या है आपको इनकी बेस्ट एक बात लगती है? मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, मैं इसको कुछ कहे बगैर चीज़ें इसको पता लग जाती है। लाइक अगर मेरे पूरे दिन में कॉल नहीं किया, इसको पता लगेगा कोई मसला है, ये फ़ोन नहीं करी, ये चीज़ें समझ जाते हैं। और मैं पास बैठी हूँ तो ये मुझे मूड जज कर लेता है कि तुम्हें कोई बात है या कुछ कहना चाह रही हो। यही तो मेन चीज़ होती है, अगला बंदा को ना समझाना ना पड़े कि तुम मेरी प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, ये बेस्ट बात है। और ये चीज़ अयान में बेस्ट है, और ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग। किसी को 5 मिनट वेट करना पड़े तो कहती मैं जा रही हूँ। अरे वाह, इसकी वजह से मैं 2-2 घंटे इसके गेट पे भी खड़ी रही हूँ, वेट करती। ये देखो, ये बेस्ट फ्रेंड की निशानी है यार। अभी रात को भी इसने मुझे 1.5 आवर घर के बाहर वेट करवाया। क्यों वेट करवाया? काम कर रहे थे? ये मुझे बोल रहा था कि मैं कहीं काम से आया, और जब ये 1.5 घंटे बाद आया तो इसने मुझे बताया मैं मसाज करवाने गया हूं, और फिर इसको मुझसे गालियां पड़ी बहुत ज्यादा। अरे भाई, खड़ी नहीं आ गए तो इस बार। आप बताओ कि बेस्ट है
मेरे ही है। हाँ, रिदा और एक और हमारी एक दोस्त है, म्यूचुअल फ्रेंड है हीना। ओके, तो क्या आपको लगता है इन दोनों की बेस्ट क्या आदत लगती है आपको? इन लोगों की ये कि मतलब इन लोगों ने कभी वो नहीं किया कि अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे और आयान के पास रोज़ क्यों जाएं। हम लोग डेली मिलते हैं, डेली बैठते हैं और बहुत सारा मतलब खाना इकट्ठे खाते हैं, हर एक चीज़ इकट्ठे करते हैं। तो हम लोग टाइम बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करते हैं। इसमें ये नहीं होता कि हम लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर चले। हम लोग बॉदर नहीं करते, मतलब प्यार बहुत करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, लेकिन ये होता है कि मैं ज़्यादा प्रायोरिटी जो अपनी ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स को देता हूँ। ओके ओके। तो मेरे घर में भी ये लोग आते हैं तो मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे तरह से इनके साथ रहते हैं कि नहीं, अयान के फ्रेंड्स हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। और आप बताएं? मेरे दो बेस्टी हैं, एक है रूमी और एक अब्दुलरहमान। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, लॉयल हैं और शुगर भी हमारा लगता रहता। ओके, नाइस। आपको पता है जब दोस्त वगैरह बैठे होते हैं तो वो तो फिर सही, बिल्कुल हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक। और मेरा एक फ्रेंड था अली, वो दुबई चला गया हुआ है, तो मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करता क्योंकि मेरी मेंटेलिटी के लोग बहुत कम होते हैं, सिलेक्टिव लोग होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारी भी ऐसी है कि अंडरस्टैंडिंग है, हर जगह इंजॉय इकट्ठे करना है, गैदरिंग इकट्ठी करनी है। एग्जैक्टली। तो वो इस वक्त दुबई में है और मैं यहाँ पे हूँ। आप यहाँ पर हैं, सही है, सही है। मतलब मुझे बताओ आयान के मेकअप पे थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि अभी हाल ही में ईद भी गुजरी है। मेकअप पे क्या इन जा रहा है, किस तरह के मेकअप फीमेल्स करवाना चाह रही हैं और ये नो मेकअप लुक क्या होती है, सब बता दो हमें आज। नो मेकअप लुक का पहले एक ट्रेंड आया था लेकिन अब वो ख़त्म होता जा रहा है। सही। जब एक लोग एक चीज़ को ट्रेंड देखते हैं, एक मतलब किसी मूवी या बहुत फेमस किसी एक्ट्रेस का मेकअप देख लेते हैं तो अच्छा इसने ये किया है, ये ट्रेंड में आ गया है, वो सब लोग वही करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेकअप बेसिकली जो मेरे लिए मेकअप है वो मेकअप ये है कि आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करना। ठीक है। मैंने कभी ओवर पावर होकर मेकअप नहीं किया, मतलब कि लाइक कि अगर इसकी शक्ल पे इतना मेकअप है अगर इसको लगेगा कि इसने अच्छा इसने मुझे पे किया इतना आधा और इसके मुँह पर मेकअप नहीं लगा देता। हाँ, ये भी होता है ना। लेकिन मैं फिर भी मैं अपने हिसाब से और मतलब प्यारा वाला मेकअप करता हूँ। मुझे ये नहीं होता कि ट्रेंड में क्या जा रहा है, लड़की प्यारी लगना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं कि ट्रेंड में क्या है। अब ट्रेंड में तो बहुत सारे लोग आजकल वो वीडियोस बनाने के चक्करों में उनके पास मेकअप ज़्यादा सारा होता है और मेकअप लगाए ही जाते हैं उनके पास, ये मतलब हर एक चीज़ उन्होंने अप्लाई ज़रूर करनी है लेकिन ये नहीं देखना कि वो हम पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको कम मिनिमल मेकअप करना चाहिए जिसमें आप प्यारे लगो, आपकी शक्ल आपकी लगे कि आप चेंज ना लगे। मेरी दादा ब्राइड भी आती हैं तो क्योंकि मेरा सैलून भी है तो मेरे पर आपका मेरे DHA में दैट ब्लॉक में तो वो भी मुझे मेरी ब्राइड भी इसीलिए आती हैं क्योंकि मैं बहुत नेचुरल अच्छा मेकअप करता हूँ तो वो भी मुझे यही कहती हैं कि हमें बहुत कम मेकअप कराना। और कुछ लोगों की साइकी होती है कि वो लोग कहते हैं कि हमने अगर पे किया है तो हमें ज़्यादा मेकअप करें। ऐसा होता है मैं किसी सैलून पे ये मेकअप कर रहा होता है तो कुछ आंटीज वगैरह कुछ लड़कियाँ होती हैं तो कहती हैं ये कम है इसको ज़रा ठीक करो मेरे कलर टैन लग रहे हैं। अच्छा मेकअप और हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट मेकअप फेस के अकॉर्डिंग करता है। अभी जैसे मतलब मैंने कहीं जाने है ना तो मेरा मेकअप सिर्फ अयान करेगा और मैं किसी से नहीं करवाती, चाहे मुझे इसका वेट भी करना पड़े ना मैंने मेकअप इसी से करा। अभी आज लड़ाई भी थी बात है और वही लड़ाई भी थी बात है, आज भी इसने मेरा मेकअप किया है तो हम सिर्फ 5 मिनट पे आधे घंटे में 30 मिनट में मेरी ब्राइड रेडी हो जाती है और वो सारे कह रहे थे बस हो गया मेकअप और वो प्यारे लग रही होती। मतलब मेकअप लेके बैठ जाना, मतलब मैं मेरे साथ जो लोग काम भी करते हैं मैं उनको भी यही कहता हूँ कि जो काम तुम लोगों ने 10 मिनट में करना है वो 5 मिनट में करके ख़त्म करके बाद में देख लो कि कोई चीज़ रहती है कुछ करना है तो बाद में आपको पता हो। अगर जल्दियों में करते रहोगे हर एक चीज़ करते रहोगे उसको लेट करोगे स्लो करोगे तो बाद में आपको फाइनल लुक पे अगर आपको टचअप्स करने पड़े तो आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत क्विक करना चाहिए तो मतलब अच्छा हो। कौन सी आपके ख्याल में फीमेल एक्ट्रेस है पाकिस्तान की जो कि बहुत अच्छा मेकअप कैरी करती हैं? ज़्यादा मैंने वैसे फिज़ा के साथ ही काम किया है, मतलब मैंने बाकी मतलब सबके साथ काम किया हुआ है मैंने बहुत वैसे देखने में, लेकिन जो फिज़ा चीज़ों को कैरी करती है फिज़ा अपने मेकअप अपने कपड़े आप उसको कुछ भी दे दे अब उसने क्या उसको ये होगा अयान मेरे पास कपड़े नहीं है अच्छा मैं ये निकाल के पहनती हूँ देखना मैं कितना अच्छा कैरी कर लूँगी इसको। उसने कोई भी चीज़ होगी उसने उसको इतना प्यारा उसको दिखा देना है उसने कैरी करना उसको स्टाइल खुद कर लेगी। अगर उसको सुबह का मेकअप हुआ है समटाइम ऐसा होता था कि मैंने अगर उसका किसी वीडियो सॉन्ग का मेकअप किया और वो सारा दिन चलता है लेकिन मैं अगर बिजी मैंने उसको कहना नहीं यार मेरा शूट है मैं मेकअप करके चला जाऊँगा कोई बात नहीं मैं खुद मैनेज कर लूँगी
उसने सारा दिन गर्मी में उसने सारा दिन मेकअप खुद ही चलाना है, उसने टचअप भी खुद ही कर लेने, उसे कैरी बहुत अच्छा करके उसको दिखाना है। अक्सर हम मेकअप करते थे, उसे मुझे कहना अयान वीडियोस बनाओ, ऐसी वीडियोस बनाओ जिसमें मेरा मेकअप मैं तुम्हें ज़्यादा दिखा सकूं कि मेरा मेकअप तुमने किया है और कितना अच्छा। तो वो इतना अच्छा कैरी करके उसने पोज वैसे ही करना, हमने वीडियोज़ बनानी, हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेकअप की और वो बहुत अच्छा कैरी करती है। ओके नाइस, अच्छी बात है कि इस तरह वो कैरी कर रहे हैं। मैं कहना कि अब हम वो गाना सुन लें आपसे, इस गाने की बहुत हमें बताओ गाने की खास बात क्या है, गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं, आपने खुद लिखे हैं? काला सूट या कश्मीर? काला सूट पहले कर, काला सूट। इसके जो लिरिक्स लिखे हैं कैसर नदीम गुडू। ओके आप जानते होंगे, जानते हैं बिल्कुल, उन्होंने लिखा है। और इसका म्यूजिक किया है जाहिद अली मूर्ति ने, जबरदस्त, जो बग्घा जी के भाई हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे लिरिक्स हैं और इसका साउंड और म्यूजिक ऑसम। मुझे फर्स्ट टाइम अपना सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद ये सॉन्ग आया। रियली? यस। तो आइए फिर स्टार्ट करें जश्न का समा, आपका सॉन्ग पहली बार हम चला रहे हैं अपने शो में, तो आ जाइए फिर परफॉर्मेंस के लिए। What a song! Thank you. It was fabulous. Thank you. वाकई सबने ब्लैक 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 पहना हुआ, तो हमने एंजॉय किया उसको। It was all fun. हाल अभी छा गए तुम। एक और गेम खेलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब आप फिर टीम ए हैं और आप टीम बी हैं। आप दोनों आपस में ना मतलब मशवरे भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, हम कुछ लाइंस बोलेंगे पांच पांच, और आप लोगों ने बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, ये जरा लाइनें हाई फाई होंगी, तुक्के तुक्के ही मारने हैं बेसिकली। तो आपसे स्टार्ट, पहले इनसे स्टार्ट कर लो, इनसे करते हैं। अच्छा नहीं, पहले आज इस बार आपसे हो रहा है। अच्छा पहला है गॉर्डन ब्राउन, इज अ वेरी फेमस रग्बी प्लेयर, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, इट्स ट्रू और फॉल्स? सोच लें, टाइम लें। गॉर्डन ब्राउन इज ब्लाइंड इन वन आई, तो कई होंगे मोस्टली, क्या कह सकते हैं? रग्बी प्लेयर, हाँ फॉल्स। एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है, एक वॉटरफॉल है, इट्स द हाईएस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड। फॉल्स। ट्रू। पहले मशवरे कर लेना आपस में, तुक्का ही होता है इन्होंने की फिर भी। ठीक है, डन। ओके, अब आप पे आते हैं। एंजल फॉल्स स्ट्रॉबेरीज में, हाँ पहले वो थी ना दूसरी वाली, अब ये आ गई है, नयाग्रा के बाद ये आ रही है। हाँ अब नया ये। अच्छा आप मुझे बताएं कि स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंजेस से ज्यादा विटामिन सी होती है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, ये बिल्कुल ट्रू था। मुझे मशवरा कर लेते यार, मैंने विटामिन सी की वही सब गीत बातें हैं सारी, आपका मशवरे करने पड़ेंगे आपस में। ठीक है, उनका भी फॉल्स डन है, उनका भी फॉल्स। आगे चलते हैं, एक्रोफोबिया एक टर्म होती है, एक्रोफोबिया, इट्स अ फियर ऑफ हाइट्स, इट्स ट्रू या फॉल्स? यस इट्स ट्रू। ओ यार इट्स ट्रू, मेरी फ्रेंड है इसलिए मुझे पता है, तुम्हें भी 1-0 हो चुका है बॉयज, यू हैव टू बी सेफ नाउ। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड को हम सब जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस, इट्स ट्रू और फॉल्स? सोच के जवाब देना आप लोगों। वेट आइस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को, जवाब दीजिए ऊंची आवाज। फॉल्स है, फॉल्स था, क्योंकि इसको ड्राई आइस कहते हैं, वेट आइस नहीं कहते। ठीक है, तो वन हो गया इनका भी। अब आप पे आते हैं, द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी, बहुत मशहूर वॉल है, इट वॉज बिल्ट इन 1961, इट्स ट्रू या फॉल्स? प्लीज सोच के जवाब देना। चलो चूज करो आपस में, इट्स फॉल्स। It's true. क्या हो गया आप लोगों को? तो अभी दोनों बराबर आ गई हैं टीम, ठीक है? तीन तीन सवाल हुए दोनों से। अभी हाँ तीन तीन सवालों से, दो सवाल हो गए आपके। तीन थर्ड हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, ओके आप पे आते वापस। ओके क्या पूछो आपसे? अच्छे वाला पूछो। पाकिस्तान वाला। ठीक है, एक नॉवल था अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, ट्रू या फॉल्स? शेक्सपियर बोलता होगा ना, मैंने उसको अभी हुई है। अच्छा ट्रू, ट्रू 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 ट्रू
नॉवल का नाम है मिड समर नाइट्स ड्रीम. इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. सोच के जवाब दो. तुक्का लगा लो. तुक्का लगाना अब क्या है, जल्दी करो शाबाश. 1-1 से बराबर है टीम अभी. फॉल्स. मुश्किल है. स्ट्रॉबेरी भी तो आया था. ये भी आसान नहीं. काउज हैव फोर स्टमक्स. ट्रू है कि false? False है. True. और अब आ गया है changing point. Last है. यही फैसला. दोनों बराबर रहते हैं. Okay. आप लोग जीत जाते हैं. ठीक है, चलते हैं आगे. आसान है, लेकिन आसान नहीं भी है. हो सकता है जवाब देना. Alexander Graham Bell invented the television. सोच के जवाब दीजिए मेरी जान. कदरदान मेहरबान. टेलीफोन लाले की जान. आप पे छोड़ो. आप एक बार जवाब नहीं दे रहे मुझे. आप कहते हैं फॉल्स. कभी आप मेरा बस काम है टॉस करना. तुक्का लगाना. ग्राहम बेल. ग्राहम बेल ने. आज मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा किसी के लिए. पहले एक जवाब आप दे देंगे. एरोप्लेन किसने बनाया था? चले इसी ने किया. ये फॉल्स था. टेलीफोन आजाद किया था इसने. ये मैकेनिकल इसी ने किया था. क्या नहीं किया. और अब आपके हाथ पे आ गया. कुंजी आ गई है. कहते हैं ना एले फड़ कुंजी आते थाम ले तिजोरियां. अब आपने बताना है हमें कि लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछूं. प्लीज मुश्किल मुश्किल. सबसे इजी. Okay. Cheetah is the fastest mammal on earth. Yes. सोच के जवाब दीजिएगा वरना गलती हो गई. चीता और उस पे फर्क होता है. लेपर्ड फर्क होता है. चीता फर्क होता है. यस चीता नहीं है लेपर्ड. आई थिंक फास्टेस्ट होता है. आई थिंक. मैं अभी कुछ नहीं बता रहा. प्लीज सोच के. ट्रू और फॉल्स पूछ रही है. कंफर्म कर रहा हूं. आपसे लाइव गाना तैयार होते हैं आप इसके बाद. ट्रू और फॉल्स. ट्रू. ट्रू. Yeah, it's true. Good. Cheetah is the fastest mammal on earth. और लग चलिए क्या हुआ कि टीम ए ने फिर से ये गेम जीत लिया 2-1 से. तो दो गेम वो जीत चुके हैं. जीतने वाले को बाजीगर 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 बन गया. कितनी बार बाजीगर बन गया. तो बाजीगर साहब अब कुछ गाना सुनाओ लाइव हमें. आपको काला माइक पकड़ ले वहां से हाथ में. जान जान कह के ढोले जान कड लईए. पक्की पक्की तेरी आओ मैनू कह गई ए. जानी दिल मेरे दाओ ते साब लगदा ए. जानी दिल मेरे दाओ ते साब लगदा ए. दूर ढोले तू रहना अजाब लगदा ए. दूर ढोले तू दोबारा मजा आ रहा सुनने का. अजाब लगदा ए. काले सूट विच ढोला नवाब लगदा ए. दूर ढोले तू रहना अजाब लगदा ए. ओए दूर ढोले तू रहना अजाब लगदा ए. क्या बात है. फैंटास्टिक. और जो आप सॉन्ग कहते हैं बाय अली जफर पूछ जाते हैं. अली जफर. फिर हम जाते हैं टुवर्ड्स अ ब्रेक. स्कैनिंग के बाद शहजाद रोय चल जाएगा. हाँ कोई भी सुनाए. आपका शो है आज का. तेरा मुखरा हसी जादू कर गया ये दिल ले गया मेरी जान. वाह. मैंने देखी है बड़ी लड़कियां सोनिया तेरे जैसी मिली कोई ना. थैंक यू. क्या बात है. और मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद. साथ रहें एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARIS. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Ah.
आ गए हम वापस और इज द सेकंड चंक और मजेदार चंक जारी हो सारी है. वी हैव विद अस रिदा, वी हैव विद अस आयान, वी हैव विद अस अतीब एंड शवाल और इनकी इंजॉयबल सी राइड चल रही है. तासुरत ये है कि टीम ए जो है वो अभी तक जीत रही है और टीम बी हार रही है. दो गेम वो जीत चुके हैं और वो कर रहे हैं. आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं उनके हॉबीज क्या चल रहे हैं आजकल. सो आपसे शवाल स्टार्ट करते हैं इस दफा. फास्ट ड्राइविंग, बट बी सेफ जरूरी है. सेफ्टी है ना. फास्ट ड्राइविंग मैं करता हूँ अकेले में, फैमिली के साथ नहीं करता. हाँ फिर भी आप भी जरूरी है सबके लिए. वो कहते हैं ना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बेहतर है कि बी सेफ. कभी कभी और बस ठीक है. और आप? मैं जिम, स्विमिंग, एडवेंचर लवर, उसके बाद नॉवल्स. मेरी हॉबीज, टाइम इतना होता नहीं मेरे पास वैसे. यूजली मैं अपने मतलब इंस्टाग्राम पे बिजी रहती हूँ, उसी को ही चलाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ. उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ मेरा लॉन्ग ड्राइव या हम लोग ट्रैवल पे चले जाते हैं. आई लव ट्रैवलिंग, ये चीज़ें चलती हैं. या मेरा काम की कोई एक्टिविटीज़ हों तो आई यूजली वॉच द वीडियोज ऑन फ्लावर मेकिंग एंड एवरीथिंग, तो उस पर मेरा टाइम गुजर जाता है. ओके और सोना तो पता है. हाँ जी मैं सोती भी बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा सोती है एक्चुअली. और आप बताइए. मेरा ड्राइविंग और शीशा पीना. शीशा भी शौक से पीते हो? बहुत बहुत इन जा रहा है आजकल. आई लाइक इट. और इसी बात पे एक और गेम हो जाए बॉयज एंड गर्ल्स, जरूरी है. सो अब फिर टीम ए और टीम बी है. अब इसकी बार हम लेके आए हैं कसौटी टाइम है हमारे पास. ओके इसमें ये है कि आपको हम दिखाएंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है. आई विल बी शोइंग यू अ फेमस सेलिब्रिटीज पिक्चर पाकिस्तान. आई विल गिव यू वन हिंट. दूसरी टीम जो है वो तीन सवाल कर सकती है उस सेलिब्रिटी के बारे में, जिनके जवाब हाँ या ना हमें आप देंगे इनको. अब फिर वो गेस करेंगे उसको. सिर्फ तीन सवाल, लेकिन सवाल आप करोगे सिर्फ हाँ या ना वाले. ये नहीं पूछते कि आप इसकी फिल्म कौन सी आई थी. नो, क्या इसने इस फिल्म में काम किया था, इस तरह पूछ सकते हैं आप. ठीक है स्टार्ट करें. इस बार अब आपसे स्टार्ट करेंगे हम. ओके ठीक है. ये आपकी सेलिब्रिटी है तो गेस करेंगे ये लोग. ठीक है ना. सो एक फेमस पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल सेलिब्रिटी हैं, टीवी और फिल्म बोथ. अब आप सवाल कर से करें, आप करेंगे सवाल. उन्होंने तो उनको मैंने दिखा दी फोटो. अच्छा अब आपने गेस करना है मेरे हाथ में कौन सी सेलिब्रिटी की फोटो है. तीन सवाल करके जो वैसे शी इज अ फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस पाकिस्तान की है, टीवी फिल्म बोथ. टीवी फिल्म बोथ. ओके सवाल कर लें. अब यू हैव टू आस्क मी ताकि मैं आपको क्लू दूं. हां क्लू दें बिल्कुल सही है, समझ गए. बताइए पाकिस्तानी मूवी है जवानी फिर नहीं आनी उनमें आई है वो. नो नो नॉट एट ऑल. अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल. इंडियन मूवी की है कोई उसने? यस राइस. हाँ? नहीं ये नहीं. अब नाम एक हो गया सवाल. आपने गलती की. आपने चाहिए था कि आप मुझे रईस पे काम किया. मुझे पता चल गया था कौन सा इन्होंने दिखाई आपको. आप कुछ नहीं जानते. तीसरा सवाल चाहिए. चलो अब रईस वाले कर लो तक हो जाएगा. हिंट की वो है कि नहीं है आपस की बात है, लेकिन और अच्छा सवाल सोच सकते हैं आप. अतीब आपको एक गेम जीतनी होगी डूड. मैं वही ट्राई कर रहा हूँ. ही इज बिजी सोचने में कैसे. या एग्जैक्टली इंडियन मूवी बताइए उसने. और एक तेरे जे एड एड किया वो उसने. एड सीबीसी बहुत एड्स किए हैं. बहुत ज्यादा एड्स किए हैं. तीनों आपके गुजर गए. यस अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक दो नाम ले सकते हैं आप. चलें इतना हिंट है ना. दो ऑप्शन हमने नाम एक्ट्रेस का लेना है और की लेना है. तुसी नाम माहिरा खान. माहिरा खान गलत हो गया. नहीं. अब सेकंड नाम बताओ. माहिरा खान नहीं है. अच्छा ठीक हो गया. तेरे जैसी मिली कोई ना. बॉयज आज आप लोग अच्छा और हमें सीट बदल के ना टीम बना. वही टीम बदल लेते हैं. ए इसको कहते हैं, बी को कहते हैं. नहीं आ रहा आपको. कुछ तो कर नहीं मारे. मायाली. मायाली भी नहीं. आपने गलत कर दिया. इसका जवाब दिखाते हैं व्यूअर्स को भी. सबा कमर. ये हमारे जमाने की नहीं है ना, इसलिए हमारे जमाने की नहीं है. ओ माय गॉड लुक हु इज टॉकिंग. आई मैं आगे चलते हैं. सबा को इसे देखना चाहिए. अब आगे चलते हैं.
ओके ठीक है जी, ठीक है। एक और पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस, ओके, टीवी फिल्म बोथ, ओके। तीन सवाल कीजिए। लक्स की कमर्शियल में थी? नहीं नहीं किया इसने। हाँ इसको पता होगा सही, मेरे पास आइडिया, मेरे ख्याल से इसने यहाँ नहीं किया। पूछो क्या पता किया ही होगा। नहीं किया, नहीं किया। श्योर इंडियन मूवीज में? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा इतना भी सवाल ही क्या, मतलब बात में कर ही लें कभी। चलो देखो लक्स में भी नहीं है और बॉलीवुड में भी नहीं, नहीं है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस है लेकिन है सुपरस्टार, सुपरस्टार माया ली तो हो नहीं सकती क्योंकि वो लक्स में भी थी। इंडियन मूवी में काम किया? नहीं वो बोल रहे हैं वो थी। थर्ड क्वेश्चन करें अभी ना बोलना, सोच लो पहले। कोई फिल्म का पूछें है ना? हां मूवी का नाम, कौन सी मूवी में थी? नहीं ये नहीं पूछ रहा, पाकिस्तानी मूवीज, पाकिस्तानी मूवी। ला ला बाजी आप पूछ लें इंस्टाग्राम। नहीं 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 जवानी फिर नहीं आनी में? नहीं अब बताना होगा। तीन तीन हो गए। हाँ हो गए, अब नाम बताए। नहीं इवन गेस्ट अपीयरेंस भी नहीं है। तीन सवाल हुए ना, तीन हो गए। पार्ट टू में आई। चलो यार एक हो गया खत्म, क्यों तुम नेवर एवर करते नहीं। जितवाना है, जितवाना है। चुप चुप चुप, अब नाम बताएं आप। वो बिल्कुल भी उस गैप नाम बताएं नहीं। ठीक है नाम बताएं। तू दो नाम ले रहे हैं ना? फिल्म चाहिए क्यों, गेस कर लेंगे, लगता गेस कर लेंगे। नहीं यार खैर वैसी बात नहीं है, देखते हैं क्योंकि लोग कम है ना हमारे पास। अच्छा जो एक्ट्रेस हैं ये नहीं भूल सकती मुझसे, थोड़ी एज में या नहीं? नहीं जिस तरह सब चल रही हैं, सब बकमा टाइप की, मतलब आयशा उमर। पहला गलत हो गया, लास्ट चांस। सजले भी नहीं हो सकती। ला ला तैयार हो जाए आपको फोटो देखने के लिए, हमारी ऑडियंस भी इंतजार कर रही है, व्यूअर्स भी। नहीं अभी नहीं। 2 3 1 and a 2 and a 3 4 तुम काम करते हो के साथ, एक्ट्रेस के साथ। 7 नहीं आया। 9 ये अब हमारा जवाब ठीक हुआ। नहीं हमको पॉइंट ये ड्रॉ, ये मेरी गलती है मानता हूँ, मुझे भूल ही गया था बिल्कुल। आई एम सो सॉरी, मैं वाकई भूल गया था। एक और पाकिस्तानी फिल्म सुपरस्टार एक्ट्रेस, फिल्म टीवी बहुत काफी लोगों की फेमस वो है। बस 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 इतना ना करें। नहीं इतना ना हेल्प करें, हेल्प करेगा तो खुद हार जाएगा, फिर कहेगा वो ही। हाँ ये भी ठीक है। मैरिड है? नहीं मैरिड नहीं, हो सकता नहीं भी। नहीं नहीं 50-50 क्यों ले रहे हो आप लोग? आपका लेकिन गलत आंसर हो गया पहला वाला। ओके उर्वा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चले ना, सवाल पूछो ना। अच्छा ये मजे की लग रही है, टीम ए फॉर्म में आ रही है, टीम बी फॉर्म में जा रही है। बताइए आजकल कोई फेमस ड्रामा चल रहे हैं उनके? चल रहे हैं ड्रामे? नहीं चल रहे, नहीं चल रहे भी आजकल उनके। अच्छा नहीं चल रहे एंड शी इज फेमस। मीरा ला 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 गाना नहीं मिट गया। ला 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 वीना? वीना नहीं हो सकती। नहीं आ रहा। हम एयर वाई पे उन्होंने काम किया हुआ है?
उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया। अच्छा बस खत्म हो गया सवाल। कुछ सारे तो नहीं है? नहीं लाला ओ मायरा खान ये आपने ये मिस कर दी है, मैं हैरान हूँ। अब लास्ट आगे की सॉटी आगे दोनों के बारे में ठीक है। अब लास्ट का सॉटी है और ये आपके लिए आ गया ठीक है, रेडी हो? ओके। पाकिस्तानी सुपरस्टार एक्ट्रेस अगेन, एक्ट्रेस टीवी फिल्म बोथ एनेक्सा रखना है एलडी के पास यार रख रहे हैं हम, कुछ आगे बम करें। अच्छा टीवी एक्ट्रेस है हाँ ओके ठीक है। उनका कोई पंजाबी मूवीज की इन्होंने? नो नहीं। हम पे उन्होंने काम किए बहुत, पहले मूवीज के उन्होंने नहीं की, हम पे काम किया है बहुत किया है, तुम पे काम किया उन्होंने किसपे हम तुम। अब लास्ट रह गए तीन, दो फल हो गए ना, दो हो गए। एक मॉर्निंग शोज में जाती यस हाँ, लेकिन कम 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 हाँ जाती है कम कम, ये बहुत बंगा सवाल, तीन सवाल हो गए हैं हाँ, कम आ रहा है। यू हैव टू अब बताएं कितने सेलिब्रिटीज नहीं जाते पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस। सवाल हो गया, नाम बता दें। नाम बताएं। हानिया अमर? नो। एक हो गया, नहीं हानिया अमर, एक हो गया, गलत हो गया, एक रह गया। सजल अली? ओह माय गॉड इट्स राइट, तुक्का इसका जवाब था सजल, क्या बात है, तुक्का लग गया, पॉइंट लग गया। और अब आखिरी आपके लिए आ रहा है, अब आप लोगों ने गेस करना होगा ठीक है। पॉइंट्स लेवल जा रहे हैं फिलहाल? नहीं अभी तो 1-0 है, 0 है ठीक है ओके ठीक है। अब अगर ये ना आए तो फिर फायदा नहीं है दुनिया में खेलने का, नहीं आएगा। चले पाकिस्तानी मेल सुपरस्टार एक्टर ओके, टीवी फिल्म बोथ ओके, चले इंडियन मूवीज में है ओह माय गॉड बहुत से लोगों ने बारी बारी करें सवाल जोश से। अच्छा एक मिनट, उनकी वाइफ डिजाइनर है? नहीं ये हाँ है डिजाइनर है वो, ये है फवाद डिजाइनर है उनकी वाइफ, ऐसा ना नहीं उनको उनको पता चल गया। सदा सदा सही है, क्या बात है जनाब, दोनों टीम बराबर हो गई इस दफा 1-1 से, हम दो ही थे कसौटी के। अब कुछ गाना जैसे लगता है आपसे कश्मीर सॉन्ग कर लें अभी, चले है आप तो कश्मीर सॉन्ग, आइए जरा मैदान में और इन्जॉय करते हैं। लेकिन ये जो गाना है ना, ये पता है आजकल के जो हालात जा रहे हैं ना फलस्तीन के, जी जी दिल मेरा रोता है देख कर, रोज सुबह उठते हैं। कल का वाकया सुन लें कि एक न्यूरो सर्जन आई गेस हैं वो, डॉक्टर अलीम का नाम है, और वो सो रहे थे घर पे विद हिज 5 चिल्ड्रन एंड वाइफ, एंड कैन यू इमेजिन 5 मतलब 6 बच्चे उनके, लेकिन 5 बच्चे उनकी डेथ हो गई, वो सो रहा हो बंदा और आप पे ब्लास्ट पड़े आकर, वाइफ भी वहीं डेथ हो गई, एक बेटी इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है ICU में, जो कि मौत और उसके कश्मीर में। तो ये देख के ख्याल आया कि जो कश्मीरीज हैं वो भी कितनी देर से बेचारे लगे हैं अपने हक के लिए, पर इंडिया तंग किए जा रहा है उनको। सो हमारा जो पॉइंट है वो इंडिया की आवाम के साथ, पब्लिक के साथ नहीं है, इंडिया के जो ऊपर ऑर्गेनाइजर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट, हमारा उनके साथ है, इंडिया के लोग भी हमारे लोग हैं। तो ये सॉन्ग मैंने जस्ट इंडियन की गवर्नमेंट के लिए, उनको उनके लिए बनाया, उनको मैंने कहा है जगाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ एक्टिव बनो और निकलो वहां से। और पाकिस्तान को जो वो समझते हैं कि ये लाइट एक पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो सही बात है। लेकिन आप आइए फिर हमेशा आइए हमारे इस जन और जाएंगे जमीन, आ जाइए, थैंक यू, बिल्कुल सही किया और सही कहा कि कश्मीरी से जाना होगा कश्मीर से इंडिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अब कुछ आपके फर्स्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट एवर थे ना, फर्स्ट होता है एक चीज़, फर्स्ट ये फर्स्ट वो बता रही है बात की। सो पहला अब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद है आपको आज तक? हाँ जी। कैसा था, कैसी मेमोरीज है? मेरी काफ़ी अच्छी है, नहीं मैं रोया नहीं था, एक्साइटेड हो गई का ओके okay. बताया आपको मैंने कि मैं थोड़ा सा नॉटी रह चुका था, तो दोस्त बनाना, लोगों के साथ खेलना, तो wow. ये चीज़ होती थी मेरी। ठीक है बिल्कुल सही है ठीक है। फर्स्ट सैलरी याद है आपको? मैंने कभी जॉब नहीं की, लेकिन
लेकिन पहले कोई जो आपको मिला हो गाने पे कॉन्सर्ट पे कुछ? कॉन्सर्ट पे नहीं, मुझे डील की थी मैंने ऑफिस में एज अ बिजनेस। डील की थी आपने? मैं रियल एस्टेट बिजनेस। डील या नो डील? नो डील। रियल एस्टेट का मेरा बिजनेस है तो उसकी मेरी फर्स्ट डील हुई थी। ठीक है, जबरदस्त। वो मेरे फादर ने ही मुझे दी। और कितने मिले थे पैसे? काफी थे। काफी मिल गए थे तब से? उस एज में और उस टाइम में बहुत थे। कितने थे बताओ ना? 2 लाख था। ओ माय गॉड, बड़े लोग बड़ी कर ला। नाइस। अच्छा आप पे आते हैं जी। पहला गिफ्ट मिला था याद है आप? हाँ, बचपन में मिला होगा, भाई ने दिया था। क्या था वो? आई रिमेम्बर चूड़ियाँ ईदी लेके आए थे मेरे लिए। ओके, नाइस नाइस। तब आई वाज इन 5th 6th क्लास, 5th 6th क्लास, तब की बात है। सही सही। फर्स्ट क्रश याद है आपको? आया बता दो आज। फर्स्ट क्रश पाकिस्तानी इंडियन? दोनों बता दो। ईमान अली मेरी क्रश। ईमान अली तो बाकी वैसे आला है। जिसके कहीं भी पोस्टर देखता था पहले उसको रुक के देखता रहता था। मैं कहता था काश काश। हाँ, जबरदस्त हो गया। फर्स्ट सेल फोन याद है आपको अपना कौन सा था? नोकिया का 11-12। ओ माई गॉड, वाकई वो था। मैं 2 क्लास में था। हाँ, सही सही सही। पहला गिफ्ट जो किसी को आपने दिया हो याद है? मैं गिफ्ट नहीं देता। नहीं देता? बहुत गलत बात है। गिफ्ट तो देने चाहिए। उसे शायद देता हूँ, मैं याद नहीं रखता। अच्छा, देख के मैं भूल जाता हूँ। ओ रियली? ये अदाए नाज़। ये बहुत सारे लोगों को आप गिफ्ट देते हैं क्या, भूल जाते हैं? अब मैं किसका नाम लूँ, किसका दौलत का, किसका नाम लूँ? भाई लाइव शो है ये, लाइव शो है ये, कश्मकश है। सही है सही है। इसका जरा पहली डिप्लोमेटिक जवाब याद है आपको? फेसबुक पे करती थी याद है कुछ? मैंने अपना फेसबुक बनाया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज सेकंड ईयर, तो तब कोई दीपिका की डीपी लगाई थी मैंने अपनी। मुझे दीपिका पाडुकोण बहुत पसंद है। तो वो मुझे आपके स्टाइल भी वही लग रहे हैं मुझे कुछ। अब हाँ सही बात है, हेयर डू और सारा कुछ मुझे लगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा आपसे पूछते हैं, फर्स्ट ट्रैवल याद है आपको? फर्स्ट ट्रैवल मुझे याद है, हम नॉर्दर्न एरिया गए थे। वो बहुत बुरा था क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत बुरी लगती है और मैं जाता ही नहीं। हाँ सही है सही है, बहुत कम। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। जनाब अब जाते हैं टूवर्ड्स द सेगमेंट, गाने दिखाएंगे आपको हम, अपुन की चॉइस का मामला है। और पहले टीम में आपसे पूछते हैं, चले तो बताए कौन सा गाना प्ले किया जाए आप लोगों के लिए? चॉइस का मामला है आपकी, एनी पाकिस्तानी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस? शायर सॉन्ग। शायर? ओके, शायर बाय सरमद कदीर फीचरिंग जन्नत, राइट? सो आइए जनाब शायर प्ले करते हैं। आज कई महीनों का मैं हमारे गाना प्ले कर रहा हूँ, इट्स अ लवली सॉन्ग। वापस आते हैं तो फिर और कुछ गेम्स खेलते हैं, मजा करते हैं। शायर फॉर योर आइज ओनली एंड ईयर्स ऑफ कोर्स। मिलते हैं इस गाने के बाद। क्या गाना था भाई, मतलब मजा आ गया है ना शायर का, तो मतलब क्या है। हाँ हाँ, सरमद दिल से गाता है। और एक और बड़ी मजेदार हमारी गेम, एक गेम मुकाबले की वैसे गेम होती है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इसमें हम पूछते हैं अब आपसे हमारे गेस्ट के बारे में कि आज आपने उनको फर्स्ट टाइम देखा तो क्या ख्याल आया। सो लेट्स स्टार्ट विद यू आयान, कि आपको अतीब को देखकर एक उनकी क्वालिटी क्या जहन में आ रही है, कि क्या इनमें कोई क्वालिटी होगी एक, फिर हम तो पूछेंगे उनसे कि क्या वो सही था या गलत है, इनसे जवाब लेंगे, सही राय लेंगे। थोड़ा शाय है और लेकिन नेचर वाइज अच्छा है। क्या क्या? नेचर में अच्छे लग रहे हैं। नेचर में अच्छा है बट शाय है, क्या कहते हैं? शायद नहीं, शायद बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेचर में अच्छा है ये मानना पड़ेगा। चल डर हो गया। अच्छा आपसे पूछते हैं हम शावर के बारे में। नहीं, शर्माते तो बिल्कुल नहीं मुझे लगते। आई थिंक ही इज एक्सट्रोवर्ट, लाइक ज्यादा एक्सट्रोवर्ट लग रहा है। हां, ये एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मींस के बोल देने वाला, दिखा देने वाला, बाहर की तरफ ऐसे होता है। कुछ लोग अंदर बातें रखते हैं, वो नहीं होता। हां, ये जो है बोल देते हैं। ये ठीक है ना? ये ठीक कहा है उन्होंने, बिल्कुल सही। वेल डन, ठीक कहा, ठीक। क्लैपिंग। मीटर से 10 पॉइंट मिले आपको। 10 पॉइंट मिल गया आपको। अच्छा आपसे हम पूछते हैं इनके बारे में, बताइए क्या एक खूबी ज़हन में आपके आ रही है? ये खूबी है कुछ भी क्वालिटी है? ओके, मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि हमें क्वालिटी बताओ बेटा, क्वालिटी। गुड लुकिंग सबको पता है कि वो है। ओके, लॉयल? यस आई एम। आई एम श्योर यू आर। अपने रिलेशंस के साथ बहुत लॉयल। यस, तो सही हो गया, ठीक है, डन हो गया।
और आप बताएं हमें आयान के बारे में। सेंसिटिव लग रहे हैं काफी। बिल्कुल नहीं है। वो नहीं है सर, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हो भी जाता है। लेकिन सर देखो उस तरह नहीं है, कोई और क्वालिटी बताओ। कोई और लाइक अपने काम के साथ बहुत लॉयल्टी और बड़े सिंसियर होके काम करते हैं, काम को काम समझ के। हाँ वो तो हम मानते हैं, वो तो हम सब जानते हैं। फिर ठीक है, ये क्वालिटी ठीक है, जबरदस्त। वेल डन, वेल डन, क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपसे हम बैक टू बैक, उनके थक थक जवाब देंगे आप। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू नाउ। If you could buy any type of food right now, क्या buy करना चाहोगे आप? McDonald's. Oh my God, craving हो रही है आपको? Beef or chicken? Chicken. Okay. What color is your toothbrush? Blue. Blue. Okay. If you could be नहीं छोड़ देता हूँ सवाल. If a film was made on you, film का नाम क्या होगा? Hero. Hero. Nice. Okay. If you could be any flavor of ice cream? Vanilla. वनीला सिंपल होती है। आई लाइक सिंपल। सिंपल, ओके ठीक है। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? इवेंट मैनेजमेंट, व्हिच आई एम डूइंग। हां सही है, ठीक है, डन है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहां जाना चाहोगे? मालदीव। मालदीव्स, ओके ओके। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन थ्री वर्ड्स। थ्री वर्ड्स, ओके। ऐसा कोई है नहीं जो मैं खुद को डिस्क्राइब कर सकूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है चलिए, ठीक है पास करते हैं इसको। आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम, क्या करना चाहोगे 15 मिनट के अंदर फेम हासिल करने के लिए? और मुझे उसके लिए भी स्टेज भी चाहिए ना, एक स्टेज नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ क्या करना चाहोगे। अब जाना नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। करना कुछ नहीं है अभी। अच्छा 15 मिनट चाहिए आपको, मिल गए हैं, ठीक है। आप उसमें क्या ऐसा काम करोगे ताकि आप और हिट हो जाओ? मैं जो अंदर छुपा हुआ लावा है ना टैलेंट का, कितना लावा छुपा हुआ, बहुत ज्यादा है, जो अभी तक 1% जो अभी तक 1% भी निकला। अच्छा, ओह माय गॉड, नाइस। जब निकलेगा तब क्या होगा? एक्सप्लोर नहीं होगा। अगर आपको इनविजिबल कर दें, ओके, अगर आपको इनविजिबल कर दें, आप कहां जाना चाहोगी? मुझे मॉरिशियस। ओके नाइस, जबरदस्त हो गया। सब करके ऐसे ऐसे करके निकल। वन विश यू वांट टू कम ट्रू? मैं अपनी मॉम के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ओह यस, बहुत प्यार करते हैं। क्या आपको उनकी आदत अच्छी लगती है एक माँ की? मेरी माँ बहुत सिंपल है, वो बहुत केयरिंग है। बहुत आंटी बहुत अच्छी है। जबरदस्त जबरदस्त। योर बिगेस्ट एडिक्शन? जिम। ठीक है। नेम अ सॉन्ग व्हिच रिमाइंड्स यू ऑफ योर रिलेशनशिप्स। अब बताओ, अब बोलो, एक्सट्रोवर्ट साहब, प्यार बाहर निकालो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। क्या बात है, वेल डन। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग, क्या पेंट करती हैं आप? पेंट लाइक पेंटिंग बनाने के मौके जब कुछ पेंट करो, क्या चीज पेंट करेंगे आप? सीनरी, कुछ समथिंग ग्रीनरी, सीनरी टाइप। ओके, ग्रीनरी और पानी, इस तरह की चीज। ठीक है। व्हिच सेलिब्रिटी एनॉयज यू द मोस्ट? नहीं इसका जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं देना, कोई नहीं गाइस, पास करना चाहेंगे आप। योर लाइफ लॉन्ग ड्रीम? लाइफ लॉन्ग ड्रीम, वांट टू बी द बिगेस्ट और द फेमस मॉडल एंड एक्टर। ओके ओके फाइन। अच्छा, अगर खुदा ना ख्वास्ता आप जहाज में बैठे हैं और जहाज का होती है अनाउंसमेंट कि एयर क्रैश होने वाला है, तो क्या ख्वाहिश है आपके साथ कौन बैठा हो? ख्वाहिश ये कि कोई भी ना बैठा हो। ओह यार, अकेला ही हूं। अच्छे लोग ऐसे ही जवाब देते हैं। और आखिरी सवाल सबके लिए कॉमन है कि ऑन अ रेट ऑफ 1 to 10 कितने कूल हैं आप लोग? अयान तुम बता दो, मैं कितनी कूल हूं? के बारे में कितनी कूल हैं? बहुत कूल है, 70%। 7 मार्क्स देंगे आप 10 में से। और आप खुद? 6 और आप 8। कूल, कितनी कूल है ये? किसी और अंदाज में कुछ गाना सुनाओगे हमें लाइव? सिंगर बैठा, आई वांट कि गाना गाता रहे। ओके, मतलब लंबा गाया करो, शॉर्ट गाते हो तो। ओके ओके, अली जफर का गाएं फिर मस्ती सॉन्ग। चले हाँ,
आप सब भी मेरे साथ जरा गाइएगा, जरा चले इंजॉय कीजिए। है मस्ती के दिन है, चलो घूमे और गाए हम। ओ, ओ, है सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो गम। वाह, मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम। Nice. है मस्ती के दिन है, चलो घूमे और गाएं हम। क्या बात है, well done, well done. और अब बारी आ गई आप लोगों की, अब उनकी चॉइस का मामला है। सॉन्ग वीडियो बताइए, क्या चॉइस है आप दोनों की, जो प्ले करें। सॉन्ग वीडियो मुझे अली अस्मत का एक सॉन्ग बहुत पसंद है, लेकिन वो ओल्ड है थोड़ा सा, बोला यार बिना दिल नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। रॉकिंग सॉन्ग था, बहुत कमाल का था, बहुत अच्छा सॉन्ग था, बहुत सनमाते हैं दिखाते हैं। ठीक है, जनाब इनकी चॉइस है यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, अली अस्मत इन फुल कंट्रोल। पापा आते हैं सॉन्ग के बाद, अब उनकी चॉइस का मामला। ओके जनाब, अब धुनों का टाइम आ चुका है और धुन स्टार्ट करते हैं। धुन बजाएंगे आप लोग और ये गेस करेंगे, ये बजाएंगे आप लोग गेस करेंगे। ठीक है, सो पहली धुन हम दे रहे हैं अब न्यू आप, हाँ अब ये दे रहे हैं आपको। ठीक है, कर लेंगी आयान कर लेंगी, आप करें, आयान भी कर लो। मुझे हुमिंग आती नहीं थी अच्छी सी, मैं करूं फिर वो गेस कर जाएंगे। I don't want कि वो गेस करें। ये चीज कौन सी वाली है, अब मुकाबला फिर शुरू हो रहा है। कनेक्ट आप कर लें, हम गेस कर लेंगे आपका। अब गाने में बैठे बात कर, मैंने गाने चेंज कर दिए हैं ना, हां अभी चेंज है ना अब बात। तो तेरा लगी कौन सा है, मुझे गाने नहीं पता। ये नहीं मुझे नहीं आता। ओके आप बताइए, दो आप कर दें चलें। सोना ना चाहती मैं कोई ना, तो आप गाइए गाना। ये मुझे गाना सुना वाले क्यों भी आता नहीं है, मैं गाऊं थोड़ा सा। न चांदी न कोई महल जाने वन तुझको मैं दे सकूंगा। आगे चलते हैं। क्या बात है इन गानों की, और ये गाना आपके हिस्से में आ गया। ऐ मेरे रुस्ते आना कर, ऐ मेरे रुस्ते आना कर, क्या बात है, गाना आप गाएंगे। ऐ मेरे रुस्ते आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहां सजना। क्या बात, क्या है? क्या बात है, वेल डन वेल डन। और अब तीसरा जो है वो हम देते हैं आपको। अरे इतना स्वीट सॉन्ग है ना, गाना स्वीट है और धुन भी मजे की होनी चाहिए। जब कोई प्यार से बुलाए गाइए, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको, प्यार से बुलाएगा तुमको, एक शख्स याद आएगा। क्या बात है, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या बात है, और अब आपका लास्ट ट्रैक आपका था ना। हम आज जाने की जिद ना करो, बड़ी तेज टीम निकली हमारी आज की। गाना गाइए फिर आप, वेल डन टीम्स। आज जाने की जिद ना करो, क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। क्या बात है, well done। अच्छा देखिए, दोनों टीम बराबर हो गई है ना, अब फैसला करेंगे हम। एक लास्ट धुन बजाएंगे और वो मैं बजाऊंगा। ओके, जवाब फौरन देना आप लोगों को। ओके, तो आपने अपना हाथ खड़ा करना है। अच्छा, मैं जज हूँ आप दोनों टीम्स का। ठीक है, आपके हाथ नीचे होने चाहिए। लेकिन जज, लेकिन ये क्लासिक सॉन्ग है, पुराना गाना है, लेकिन पाकिस्तानी है। अच्छा, आर यू ऑल रेडी, ऑन योर टोस, क्योर्स आप भी रेडी हो जाएं। ओके, अब बताए गाना। एक मिनट में क्यों नहीं जानी गाना ना। वो इश्क, वो इश्क जो हमसे
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का. यू ऑल वर जस्ट अमेजिंग. लेकिन रिजल्ट फाइनल है कि टीम ए इज द विनर. हमने इनको जीतने दिया. ओह माय गॉड. भाई कुछ पैगाम लेते हैं और प्लान्स जानते हैं अपने गेस्ट के. इस बार हम आपसे चाहें थैंक यू सो मच रिजा फॉर कमिंग ओवर. मज़ा आया आपसे मिलकर. सो बताइए अब क्या प्लान्स है आगे और क्या पैगाम देंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली और फैंस को. प्लान्स तो ऐसे अभी आजकल कोरोना की वजह से कुछ भी हाँ है. तो मैं ये सबको कहूँगी कि सब लोग कोरोना को देखें. आज सच मुझे पता लग रहा था कि स्मोक भी आ रहा है. Exactly, तो स्मोक के बारे में हमें आइडिया नहीं है. स्मोक से हर साल 300,000 लोगों की डेथ होती है. तो हमें स्मोक के बारे में भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि इससे पहले कि वो भी आए और हम लोग बहुत सी मुश्किल का सामना करें. मुझे खुशी होती है कि कोरोना केसेस ना 1500 हो गए इस डेज में. जैसे ही खोलने हैं ना ये दोबारा से 3000. मुझे सुनने को मिला था ये वाला जो कोविड आया ये बहुत खतरनाक है. बस दोबारा 3000. तो इसलिए हमें ख्याल रखना है. और स्मोक के बारे में भी प्लीज आप कीजिएगा नेक्स्ट शो में. तो आप बताइएगा उसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए. लोगों को नहीं पता कि स्मोक भी एक बहुत बुरी चीज है. थैंक यू सो मच. अयान शुक्रिया आपकी आमद. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपको. तो प्लान्स बताओ और पैगाम. प्लान्स यही है कि मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा उसको समझें. अब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो मास्क नहीं पहनते. एग्जैक्टली. कोई भी नहीं पहन रहा. अगर हम खुद ही उसको ठीक करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा और कोरोना ख़त्म होगा. बाकी कंट्रीज में भी तो ख़त्म हो गया ना. हमारे पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के लोग उस चीज़ को भी समझ रहे हैं. कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि कोरोना है ही नहीं. लेकिन है. बिल्कुल लेकिन है. तो इसलिए हमें अपने आप को सेफ रखना है और मास्क वगैरह पहन के और फिर बाय. थैंक यू सो मच. और अतीत थैंक यू फॉर कमिंग ओवर. मज़ा आया आपसे मिलकर. सो कोई प्लान्स और पैगाम. पैगाम यही होगा जैसे सब ने बोला कि कोविड की वजह से सारे जो हालात आए हैं पाकिस्तान के अंदर. अपनी एहतियात करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने. और प्लान मेरे यही है आगे कराची मूव करने के. जबरदस्त प्लान है. आफ्टर कोविड. आफ्टर कोविड. ओके. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू सो मच आवार फॉर योर नाइस म्यूजिक एंड योर एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज. जैसी के शो में आके वैसे जरूरी था और आप मिले बहुत जमानों के बाद. सो कोई पैगाम और प्लान. अपनी केयर करें और घर पे रहें. अपनी केयर करेंगे तो आपके माँ बाप भी सेफ रहेंगे. अपने उनका सोच के अपनी केयर करें. और प्लान्स यही है कि आगे इंशाल्लाह एल्बम आ रही है मेरी सॉन्ग्स की. और मतलब आपकी हिम्मत है कि आप इस दौर में भी एल्बम बना रहे हैं. एल्बम में वो बड़ा बहुत कम और बड़े स्पेसिफिक और बड़े स्पेसिफिक सॉन्ग्स केयर के साथ कर रहा हूं. जबरदस्त. आई थॉट शादी की एल्बम आ रही है शायद. मैं मजाक कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच आवार. बहुत शुक्रिया जनाब. बहुत शुक्रिया एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. बहुत मज़ा आया आज के शो का. जो करता है अल्लाह करता है. अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है. मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल. नए गेस्ट होंगे, नई बातें होंगी. आज मैंने शो काफ़ी इंजॉय किया बिकॉज गेस्ट मज़े के थे और टीम ए ने अपनी फतूहत गाड़ दी हैं. थैंक यू एवरीवन. जॉइन अस ऑन सोशल हैंडल्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ मैं लिखा सामने स्क्रीन पे आ रहा है DREJAZWARIS. हर जगह मेरी यही आईडी है. जहाँ आना है मोस्ट वेलकम एंड गिव अस योर फीडबैक. टिल टुमारो टेक केयर्स. कल लौट के आऊँगा. अल्लाह हाफिज़.